मैं सही वो हुआ से यूं था कि सेवरेज लाइंस होती हैं हर घर के नीचे से ये जा रही होती हैं, उसमें कुछ गैसेस होती हैं जिसमें मीथेन होती है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होती है, तो जब वो गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं और आगे से कहीं से उनको वैक्यूम नहीं मिलता जाने का, तो वो पीछे की तरफ आके वो एक बॉम्ब बनता जाता है गैसेस का। तो वो ऐसा बॉम्ब होता है कि वो किसी भी वक्त जो है उसको एक फायर की इंट्रैक्शन हो जाए उसके साथ, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो मुलाजमा गई थी पीछे किसी काम करने के लिए, तो वो बस पता नहीं समझ में भी आ रहा, बेचारी बच्चे को भी खुद भी याद नहीं है कि वो क्या हुआ है, कि वो एकदम वो जो सेवरेज लाइन थी वो सारी लाइन एक्सप्लोड हुई है, और जिस जिस जगह से वो लाइन गुजर रही थी सेवरेज की, वो जहाँ जहाँ पे वो थी उसके ऊपर जो जो पिलर बने हुए थे, दीवारें थी, मेरा कमरा था, सब वो सारा जो है वो गॉड, आपका अपना बेडरूम भी? जी मेरा अपना बेडरूम। अल्लाह हू अकबर। और उस वक्त घर में कोई और था? सब थे, या अल्लाह, एवरीवन वाज एट होम। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक मिरेकल ही था कि किसी को भी ऐसा कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आ रहे थे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले भी आए और इंटेलिजेंस अच्छा। वाले भी आए, इनिशियली हमें यही लगा, सबको ये लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ घर में, अल्लाह हू अकबर, क्योंकि द साउंड वाज सो ह्यूज, के इतना मैसिव उसका साउंड था कि मेरे सामने वालों के, मेरे पीछे वालों, मेरा पीछे वाला घर भी डिस्ट्रॉय हुआ उसके अंदर। जो मेरा पीछे वाला घर था वो भी आधा गिरा, आधा हमारा गिरा, और आगे प्रॉब्ली बैक साइड वाली जगह, बैक साइड जो पीछे वाली जो गली होती है ना वहां पे ब्लास्ट हुआ, तो आगे पीछे जो लोग थे घर थे उनके घर के शीशे टूट गए, अल्लाह अकबर। तो सबको यही लगा इनिशियली कि बॉम्ब ब्लास्ट है। इवेंचुअली मैं अपना खुद बताऊं, मैं अपने कमरे से थोड़ा सा बाहर था, तो जब ब्लास्ट हुआ एकदम उसके साथ जहाज गुजर रहा था, मुझे लगा कि किसी ने हमला कर दिया, अल्लाह अकबर, यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कोई हमला ना हो, अल्लाह अकबर, किसी ने हमला कर दिया है हमारे हम पे। फिर मैंने बोला यार ये क्या हुआ, खैर बहरहाल जो हालात चल रहे हैं ना मुनीब मुल्क के जी। वो हर वक्त सब डरे हुए रहते हैं, किसी का बच्चा बाहर जाता है तो वो सोच रहा होता है यार खैर खैरियत से वापस आ जाए, एक जो एक नहीं, असल में आप अगर घर में बैठे हुए हो ना और इस तरह का एक ब्लास्ट हो जाए तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ऐसा कुछ होगा। खैर बहरहाल किसी को कोई अमल घर पे थी, सब थे, मैं आपको बता रहा हूँ सब थे, सिर्फ अमल नहीं है, डर गई होगी बच्चों के। मेरे घर पे मेरे भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं, मेरे अम्मी है, अब्बू, मुलाजमाए, हम सब थे घर में। एक हमारी जो हाउस हेल्प थी उसको थोड़ी सी ज्यादा चोटें लगी थी, जो पीछे गई थी। ओह माय गॉड। बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, अपने घर जा चुकी है अपने गांव में। ईमन को थोड़ी सी चोटें लगी थी, उसको एक ग्लास आके लगा था, उड़ा था ना जब ब्लास्ट होता तो चीजें उड़ती हैं, वो आके लगा था, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर वो नहीं हुआ। मुझे लगता है नजर भी बहुत होती है, नजरे बाद जाहिर है ये तो है हमारे दीन में, इसके ऊपर कहा भी गया, बात भी हुई है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है नजरे बाद, तो बस सत्ता देते रहा करो बहुत ज्यादा। वैसे भी हम लोग अल्लाह ताला की राह में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करें। अगले दिन फिर हमने सदका खैरात जो हमारा प्रोसेस है हमने किया, और बस अल्लाह ताला की तरफ से वो रेनोवेशन वगैरह हो गई कंप्लीट घर की। रेनोवेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट है, बस वो 90% वर्क इज डन, 10% इज लेफ्ट, वो छोटा छोटा वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस शिफ्ट भी हो चुके हैं दोबारा रूम में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग हैप्पी। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह ऐसे ही आप लोगों की हिफाजत करे। आप लोग की बहुत प्यारी माशाल्लाह फैमिली है, पाकिस्तानियों की पसंदीदा फैमिली है, तो अल्लाह कभी भी कोई आंच ना आए आप लोगों के ऊपर। अच्छा मुझे मुनीब क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ मैं सब सेलिब्रिटीज से पूछूँ कि भाई आपका रमज़ान कैसा गुजरता था मुनीब, बट जब छोटा था तो उसकी मेमोरीज में सहरी इफ्तारी कैसी है, क्या चीज़ें बनती थी, दस्तरखान पे होता था, टेबल पे होता था, क्या था? अच्छा बचपन में क्योंकि जो हमारे फादर हैं वो शुरू के 5-6 रोज़े जो हैं वो घर पे इफ्तारी करते थे, ठीक है, तो उसमें जो है वो एक ख़ास एहतमाम होता था क्योंकि अब्बू ने घर आना है और सब ने इफ्तारी करनी है, तो यूँ होता यूँ था कि तकरीबन सारे ही आइटम्स जो हैं वो जो जो लवाजमात हैं इफ्तार के बेसिक वो सारे मौजूद होते थे, जिसमें खजूर से स्टार्ट होता है, फिर दही बड़े होते हैं। हमारे घर में दही बड़े भी जो है ना वो दो तरह के बनते हैं, पंजाबी स्टाइल बनते हैं, एक तो बड़े वाले दही बड़े होते हैं और एक वो जो छोटी दही बूंदियाँ होती हैं वो दोनों तरफ बनती होंगी, मीठी होती हैं, और वो दही बड़े जो है ना वो चने के साथ नमकीन होते हैं वो बनते थे साथ, फिर क्रीम फ्रूट चाट होती है, फिर पकौड़े मेरे फादर को बहुत पसंद है, तो तकरीबन हर किस्म के पकौड़े हमारे घर में मैंने खाए हैं। गोभी के पकौड़े सिर्फ मैंने अपने घर में ही खाए हैं, और पालक के तो खैर बाहर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े मैंने अपने घर में खाए। फूल गोभी या बंद गोभी? नहीं फूल गोभी, बंद गोभी नहीं, बंद गोभी कैसे बनेगी? फूल गोभी के पकौड़े, अंडे के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, अंडे के भी पकौड़े, गोश्त के पकौड़े जिसमें मटन की बोटियां होती हैं और उसमें पकौड़े, चिकन के पकौड़े,
साथ प्याज और हरी मिर्चों के तो होते ही हैं। क्या बात है। और भी पता नहीं यार, पालक तो के पकौड़े, हर किस्म के पकौड़े खा के इतना फिट बच्चा कैसे? मैंने नहीं खाए ना वो मेरे फादर यूज्ड टू। चलें ठीक है जी, आए आपको क्योंकि किचन में खाने की बात हो रही है मुनीम, मैं आपको अपने किचन में लेकर जाती हूँ। शेफ अरूज जो है यहाँ पर, पानी से बचकर मुनीम, हर तरफ पानी है हमारे सेट पर। शेफ अरूज बैक टू योर किचन। हेलो हेलो, गेट सेट कुक बाय डॉलेंस का किचन, जहाँ शेफ अरूज हैं।